हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास ट्वेल्थ का सॉलिड स्टेट चैप्टर वन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में यूनिट सेल और स्पेस लैटिस में आपको डिफरेंस बताया था, आज उसी सीक्वेंस में मैं आपके लिए लेके आई हूँ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरा चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट इसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की यूनिट सेल होती हैं। तो यूनिट सेल्स मेनली होती हैं टू टाइप्स की, एक होती है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। जो बिल्कुल प्रिमिटिव मीन्स ओल्ड टाइप, यानी कि जो ज़्यादा एडवांस ना हो, थोड़े से क्या हो, सिंपल हो, तो वो भी सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। एंड सेकेंड है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में जो हमारे एटम्स होंगे वो क्या होंगे, सेंटर्ड होंगे किसी भी सॉलिड में। अब सेंटर्ड यूनिट सेल को फर्दर डिवाइड किया गया है थ्री क्लास में। फर्स्ट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम BCC कहते हैं। सेकेंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम FCC कहते हैं। थर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, ECC कहते हैं। तो ये सेंटर्ड यूनिट सेल के क्या हैं, पार्ट्स हैं। तो टोटली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 टाइप्स के हमारे क्या हैं, यूनिट सेल्स हैं। तो टोटली 4 टाइप की यूनिट सेल होती हैं और बेसिकली 2 टाइप की होती है। तो सेंटर्ड के अंदर आपको 3 भी याद रखने हैं। तो इन 4 टाइप की यूनिट सेल को आज हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट क्या है, सेल है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। द यूनिट सेल इन विच द एटम्स आर ओनली एट कॉर्नर्स इज कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल। एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो एटम्स हैं वो एटम्स अगर केवल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर के अलावा कहीं भी नहीं, तो ऐसी यूनिट सेल को हम सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो हम यूनिट सेल का टाइप लेंगे वो हम नॉर्मली क्यूबिक लेंगे। मैंने आपको बताया था यूनिट सेल की डेफिनेशन में कि यूनिट सेल जो होती है वो 3D होनी चाहिए, 3D होनी चाहिए और एक कंप्लीट यूनिट सेल होनी चाहिए। तो कंप्लीट में मैंने आपको बताया था या तो हम क्यूबिक शेप ले सकते हैं या हम स्फेरिकल शेप ले सकते हैं। तो उनमें से जो समझने में हमें आसानी होगी वो होगी क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल में। तो यहाँ पे मैंने क्यूबिक यूनिट सेल ली हुई है। तो इस क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो केवल और केवल इस क्यूब के कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे। अब इस सिंपल प्रिमिटिव सेल को और बेटर समझने के लिए यहाँ पे मैंने क्यूब लिया है। सपोज ये पूरा एक होल क्या है, एक यूनिट सेल है, एक क्यूबिक सेल है, तो ये एक ही क्यूब है। तो हम यहाँ पे इसको कैसे समझेंगे, इस क्यूब की कॉर्नर्स कितने हैं, 1 ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो एक क्यूब के जो एक यूनिट सेल हम जिसको मान रहे हैं, तो इसके कितने कॉर्नर्स हैं, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 4 हो जाएंगे इसके अपोजिट साइड, 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 and 4 कितने हो गए, 8 हो गए। तो टोटल कॉर्नर्स के नंबर कितने हो जाएंगे, 8। तो यानी कि जो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो 8 कॉर्नर्स पे क्या होंगे, इस क्यूबिक सेल के प्रेजेंट होंगे। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 एटम्स यहाँ इस क्यूबिक सेल के कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें क्योंकि हमने सेल कैसी ली है, हमने लिए है यहाँ पे क्यूबिक सेल, तो क्यूबिक सेल के लिए लेंथ क्या होंगी, लेंथ इक्वल टू क्या होगी, ब्रेथ होगी। यानी कि क्यूब की हर एक साइड क्या होती, इक्वल होती है। तो ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। तो यानी कि अगर मैं इस साइड को ए कह दूँ, इस लेंथ को और इसको ब्रेथ को बी कह दूँ और इसकी हाइट को सी कह दूँ, तो यहाँ पे ये क्यूबिक शेप है, तो ए इक्वल टू बी होगा और बी इक्वल टू सी होगा। तो सारे एजेस इसके इक्वल होंगे। और अगर इनके बीच के हम एंगल देखेंगे, ये और ये, तो अगर हम अल्फा बीटा गामा इनको नेम दें तो ये तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो क्यूब का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। फिर से आपको समराइज कर देती हूँ, एक ऐसी यूनिट सेल जिसमें
एटम्स वो केवल उसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर के अलावा कहीं भी नहीं। तो ऐसे यूनिट सेल को हम कहते हैं सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इसमें पूछा जाता है कि सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए अगर हम क्या निकालें, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालें इस क्यूबिक सेल के लिए, तो ये होता है कितने कॉर्नर्स हैं इसमें, एट। तो एट कॉर्नर्स हैं तो हम एट लिखेंगे। अब हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा इनटू एक एटम का इस पूरी क्यूबिक सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने ये जो कॉर्नर पे दिखाया हुआ है एक स्फीयर, ये जो एटम है ये केवल इस पूरे क्यूब का जो है ओनली 1/8 पार्ट क्या करता है, कवर करता है। तो 1/8 पार्ट कवर करेगा, दैट मीन्स कि ये इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा इस यूनिट सेल में वो ओनली 1/ क्या होगा, 8 होगा। तो अगर हम 1/8 को सॉल्व करें तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1। तो टोटल नंबर अगर हम इस यूनिट सेल के लिए निकालेंगे एटम के, तो इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब ये 1/8 आया कैसे, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सपोज ये कोई एटम है, ये इस क्यूब के अंदर कितना होगा, जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसके अंदर जो है वो क्लोज पैकिंग में नहीं आ रहे, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो आउटर पार्ट तो वेस्ट है। लेकिन जो पार्ट इस क्यूब के अंदर आ रहे हैं केवल उसी को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये मानते हैं कि अगर ये एक टोटल एक स्फीयर है तो इसका केवल कितना पार्ट इस क्यूब में आ रहा है, इतना पार्ट। और ये पार्ट कितना होता है, अगर मैं इसको और बेटर समझाऊँ तो मैं यहाँ पे इसको अगर आधे से कट कर दूँ, इस एटम को अगर मैं बीच से कट कर दूँ तो ये एक हाफ स्फीयर बनेगा। कैसा स्फीयर बनेगा, हाफ। तो ये हाफ स्फीयर हो गया। तो ये देख लीजिए कि आधा तो ऊपर आ गया, हाफ बॉल ऊपर आ गई, तो ये हाफ पार्ट तो इसका सीधा क्या हो गया, बाहर हो गया। अब जो 1/2 पार्ट बचा है, इस 1/2 का भी जो अंदर पार्टिसिपेट हो रहा है वो केवल इतना हिस्सा है, ओनली दिस। तो इस पार्ट को हम कैसे समझेंगे, हम कहेंगे कि 1/2 को जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, ये और ये, तो केवल इतना ही पार्ट तो ये अंदर आ रहे हैं, जितना मैं डार्क किया है केवल यही पार्ट इस क्यूब के अंदर क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर मैं इस हाफ सर्कल का भी ऐसे ही दो पार्ट करूं तो ये कितने हो जाएंगे, 4 पीसेज हो जाएंगे, और नीचे भी कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 पीसेज हो जाएंगे। तो टोटल पीस कितने हो गए, 8। लेकिन उस 8 का भी केवल इतना ही तो पार्ट अंदर आ रहा है क्यूब में। तो यहाँ भी देखिए केवल इतना पार्ट क्यूब में अंदर आ रहे हैं, यहाँ देखें तो केवल इतना पार्ट क्यूब में आ रहे हैं, यहाँ देखें तो केवल इतना पार्ट क्यूब में आ रहे हैं। तो हर जगह जो है एक स्मॉल पार्ट जो है वो क्यूब की पैकिंग है, पैकिंग में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये कितना होगा, 4, 1, 2, 3, 4 पीसेज ऊपर वाले में हो गए हाफ सर्कल में, और 1, 2, 3, 4 इसमें हो गए। तो 4 और 4 टोटल पीसेस कितने हो गए, 8। तो 8 में से जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो केवल कितना पार्ट है, 1। तो 8 का एक ही पार्ट अंदर पैकिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे 1/8। जैसे अगर 8 स्टूडेंट मिलके एक क्लास बनाते हैं तो एक बच्चे का उस क्लास में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो 1/8, क्योंकि वो भी 8 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट है, तो उसका अपना कंट्रीब्यूशन क्लास में होगा 1/8। तो इसीलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। तो ये था सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब हम लेते हैं इसका सेकेंड टाइप जो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है, इफ एफसीसी, इसको शॉर्ट में एफसीसी भी कहते हैं, एफ मीन्स फेस, सीसी मीन्स सेंटर्ड और सेल। तो इन एफसीसी यूनिट सेल एटम्स आर प्रेजेंट इन ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द क्रिस्टल
एंड एट द सेंटर ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे दो चीजें हमें दी गई हैं, बीच में एंड आया है, आपको इसको फोकस करना है कि एंड क्या इंडिकेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे आपको फोकस करना है एंड पे, और एंड यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो दो जगह पे होंगे, एक तो यूनिट सेल के कॉर्नर पे होंगे, कॉर्नर्स पे, और दूसरा फेसेस के सेंटर पे होंगे, सेंटर ऑफ द ऑल फेसेस। तो सभी फेसेस के सेंटर पे भी क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो कितनी जगह पे एटम प्रेजेंट हैं, दो जगह पे, एक कॉर्नर पे और दूसरा सारी फेसेस जितनी भी हैं उन फेसेस के सेंटर पे। फिर से मैं आपको क्यूब से इसको समझा देती हूँ, फिर से हम वही क्यूब लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको फेसेस क्या होती है बता दूँ। तो ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है, तो फेसेस क्या होते हैं, फेसेस होते हैं किसी भी यूनिट सेल की वॉल, जो उसकी सरफेस है, जो उसकी दीवार है, उसी को हम फेस कहते हैं। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल में 6 फेसेस होती हैं। जैसे ये क्यूबिक यूनिट सेल है, इसके फेस काउंट कीजिए, तो 1, एक इसके अपोजिट साइड होगी 2, 3, 4, 5, 6, तो इनके सेंटर पे एटम होना चाहिए। अब सेंटर मतलब यहाँ पे एटम होना चाहिए, तो सेंटर पे एटम कब आएगा, जब हम इस कॉर्नर को ऐसे डायगोनली मिलाएंगे और इस कॉर्नर को ऐसे डायगोनली मिलाएंगे। तो जब दोनों के डायगोन खींचे जाएंगे तो ये डायगोन जिस पॉइंट पे कट करेंगे यहाँ सेंटर में, यहाँ पे वो एटम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे उस एटम की पोजीशन होगी जो फेस के सेंटर में होगा, तो और बाकी कहाँ होंगे, कॉर्नर पे होंगे। कॉर्नर अभी कॉर्नर भी देखें तो 1, 2, 3, 4 और 4 अपोजिट साइड होंगे, तो 8 कॉर्नर हैं। इस तरीके से 6 फेसेस में 6 सेंटर्स होंगे एटम के। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनके कॉर्नर से 2 डायगोन खींचने हैं और ये डायगोनल लाइंस जहाँ पे मीट करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी सेंटर में, वहीं पे उस फेस का क्या होगा, सेंटर होगा। अब मैंने इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि सपोज ये एक क्यूबिक सेल है, इस क्यूबिक सेल के आप ध्यान से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट तो कॉर्नर है, तो 8 एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। और फेस कितने हैं, दीवार कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक फ्रंट में होगी तो एक बैक साइड होगी, तो 6 फेसेस होंगे। तो 2 अपोजिट ये होगी, 2 अपोजिट ये होगी, एक फ्रंट और बैक वाली होगी, तो टोटल कितने फेसेस हो गए, 6। तो 8 एटम तो कॉर्नर पे होंगे ही, तो यहाँ पे जो हम टोटल नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, पहले एट कॉर्नर्स पे निकालेंगे, तो कॉर्नर पे वही कैलकुलेशन रहेगी, 8 कॉर्नर हैं और एक कॉर्नर और इन कॉर्नर्स पे एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 प्लस एट फेस सेंटर्स। अब इनके फेस के सेंटर पे भी तो हैं, अगर ये एक फेस है तो इस एटम से एक डायगोन खींचेंगे, यहाँ से दूसरा डायगोन खींचेंगे, तो ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो ये सेंटर बनेगा इस फेस का। ऐसे इनको हम डायगोन में खींचेंगे तो ये सेंटर बनेगा इस फेस का, और इनका डायगोन खींचेंगे तो ये इसका सेंटर बनेगा, एक नीचे खींचेंगे तो यहाँ इसका सेंटर बनेगा, एक फ्रंट में खींचेंगे तो ये बनेगा, एक बैक खींचेंगे तो ये बनेगा। तो टोटल कितने सेंटर हो रहे हैं, कितनी फेसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो सेंटर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 होंगे, तो 6 सेंटर हैं इनटू। अब एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, अब फिर से इस क्यूब की हेल्प लेते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई एटम प्रेजेंट है वो भी स्फेरिकल शेप में, तो वो हाफ ऊपर होगा और हाफ इसके कहाँ होगा, नीचे होगा। जैसे ये एक फेस है, इसमें जो ये सेंटर पे स्पेयर है, इसका हाफ पार्ट आउटसाइड होगा और हाफ पार्ट कहाँ होगा, इनसाइड होगा। तो जो हाफ पार्ट इनसाइड होगा वो तो इसकी पैकिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो तो यहाँ पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन जो हाफ पार्ट आउटसाइड है वो यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन होगा एक फेस पे, वो केवल हाफ होगा, यानी कि 1/2 होगा। तो 1/2 होगा, आधा एक तरफ और आधा दूसरी तरफ। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, प्लस 2 3 क्या हो जाएगा, 6,
थ्री हम यहाँ पर ले लेंगे, तो 1 + 3 कितना हो गया 4, यानी कि जो जेड की वैल्यू आई वो जेड की वैल्यू यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम आ गए कितने 4, तो 4 यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम लेते हैं थर्ड टाइप जो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, नेम से इंडिकेट है कि फेस सेंटर्ड मीन्स जो फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट होंगे, बॉडी सेंटर्ड मीन्स जो पूरे क्यूब की बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। तो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, द यूनिट सेल इन विच द एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड एन एटम एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ भी दो जगह पे एटम प्रेजेंट हैं, एक तो कॉर्नर्स पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर 8 है, अब तो आपको याद हो गया होगा, तो 8 कॉर्नर पे 8 एटम तो रहेंगे ही। और सेकेंड जो रहेंगे क्योंकि बॉडी सेंटर्ड है तो इस पूरे क्यूब के, तो ये पूरा क्यूब एक बॉडी होगी और इसका जो सेंटर होगा वहां पे एक एटम एक्स्ट्रा प्रेजेंट रहेगा, तो 8 कॉर्नर पे हो गए प्लस 1 एट सेंटर ऑफ बॉडी यानी कि बॉडी के सेंटर पे हो गया। तो जब हम इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो हम पहले कॉर्नर्स को कैलकुलेट करेंगे, तो कॉर्नर्स के लिए वही आएगा 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 प्लस 1 बॉडी के सेंटर पे है, तो ये जो एटम है सेंटर वाला ये कम्प्लीटली इनसाइड है इस क्यूबिक सेल के, तो इनसाइड है तो ये इसमें फुल पार्टिसिपेट करेगा इसकी फॉर्मेशन में, तो ये पूरी तरीके से इसमें क्या करेगा कंट्रीब्यूट करेगा, तो हम इसको पूरा 1 काउंट करेंगे, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, फिर से कितना बचेगा 1, और जेड इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस ये वाला 1 भी हम यहाँ पे लेंगे, तो 1 + 1 इक्वल टू कितना आ गया 2, तो जेड इक्वल टू BCC के लिए आता है 2। तो ये है नंबर ऑफ टोटल एटम्स प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूब। अब हम इसको समझेंगे कैसे, तो यहाँ पे जो मैंने क्यूबिक यूनिट सेल बनाई है तो इसके 8 कॉर्नर्स को मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, तो मैं एक फ्रंट कॉर्नर एटम को डायगोनली उसके बैक साइड के कॉर्नर के एटम से मैच कराऊंगी, और इस फ्रंट वाले को कहाँ मैच कराऊंगी, इधर बैक साइड में। आप याद रखिए फ्रंट को फ्रंट में और बैक को बैक में नहीं मिलाना है, अगर आप ऐसे मिलाएंगे तो वो फेस का सेंटर बनेगा ना कि बॉडी का, तो बॉडी का सेंटर बनने के लिए जरूरी है कि बैक साइड वाले एटम को, कॉर्नर एटम को फ्रंट साइड वाले कॉर्नर एटम से मिलाएंगे, और फ्रंट वाले को कहाँ मिलाएंगे, बैक वाले से, तब ये दोनों एक दूसरे से जहाँ पे मीट करेंगे तो वो उस पूरे क्यूब का क्या होगा सेंटर होगा, और यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे क्या, बॉडी सेंटर्ड एटम। तो तीनों लाइंस जहाँ पे डायगोनली मीट कर रही हैं वहाँ पे जो एटम होगा उसको हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड एटम, और सेंटर को कहेंगे बॉडी सेंटर। तो ये है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो 3 यूनिट सेल तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लेते हैं लास्ट यूनिट सेल जो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है, हिंदी में इसको कहते हैं किनारा केंद्रित इकाई सेल। अब ये एंड सेंटर्ड क्या है पहले डिफाइन कर लेते हैं, द यूनिट सेल इन विच 8 एटम्स एट द 8 कॉर्नर्स। एक तो हमारे एटम्स कहाँ प्रेजेंट हैं, 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं ऑफ द क्यूब, एंड 1 एटम ईच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस। यहाँ पे आपको फोकस करना है, तो ये भी हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल का एक क्या है पार्ट है, तो इसीलिए आप याद रखिए कि सेंटर्ड यूनिट सेल को जो क्लासिफाई किया गया है उसमें एटम हमेशा एक तो कॉर्नर पे होंगे और साथ ही साथ कॉर्नर के अलावा कहीं और भी सेंटर्ड होंगे, तो अगर वो फेस पे सेंटर्ड है तो उसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहेंगे, और अगर वो कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पे है क्यूब की तो उसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। अब यहाँ पे एंड सेंटर्ड क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे भी 8 तो कॉर्नर पे होंगे ही होंगे, साथ ही साथ 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पे भी यहाँ पे यूनिट सेल होंगी, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8
तो एट तो हमारे कॉर्नर पे हैं, एट कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, एंड वन एटम ईच, ईच वर्ड भी यहाँ पे फोकस करना है, ईच प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस। इस पूरे क्यूब में से किसी भी दो अपोजिट फेसेस पे भी ये सेंटर बने होंगे, या तो इन दो अपोजिट फेसेस की बात कर लें, या इन दो अपोजिट फेसेस को ले लें, या फ्रंट और बैक वाले को ले लें। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो किया है अपर एंड लोअर, तो एक फेस यहाँ बन रहा है, एक फेस यहाँ बन रहा है, तो इनको अगर मैं डायगोनली मिलाती हूँ, तो डायगोनली मिलाने पे ये दो डायगोन जहाँ पे कट करेंगे तो उसके सेंटर पे एक एटम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये एक फेस सेंटर हो गया। जस्ट इसके अपोजिट फेस पे भी हम यही डायगोनल लाइंस खींचेंगे, तो ये जहाँ पे कट करेंगे यहाँ पे एक सेंटर और आएगा। तो इसमें एट कॉर्नर पे हैं, साथ ही साथ दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पे भी दो एटम्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे सारे फेसेस आपको नहीं लेने हैं, वरना फेस सेंटर और एंड सेंटर में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमें कॉर्नर के अलावा केवल दो अपोजिट फेसेस के सेंटर लेने हैं, टोटल फेस सेंटर नहीं। तो इसीलिए ये कहलाता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसके लिए अगर हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें, तो अगर इस यूनिट सेल के लिए हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालें, तो जेड इक्वल टू होगा, एक तो कॉर्नर पे होंगे एट कॉर्नर, प्लस एट सेंटर्स ऑफ टू फेसेस, सारी फेसेस की बात नहीं कर रहा है, ओनली टू फेसेस। तो कॉर्नर कितने हैं, फिर से वही लेंगे, एट इंटू वन बाई एट, क्योंकि एट टोटल कॉर्नर है और वन बाई एट उसमें एक एटम का कंट्रीब्यूशन है, एक एटम इसके अंदर केवल कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ओनली वन बाई एट। फिर प्लस करेंगे एट सेंटर्स ऑफ टू फेसेस, टू फेस के सेंटर हैं, तो फेसेस के लिए टू ही ले रहे हैं, तो टू फेसेस की बात हो रही है, तो टू इंटू फेस के जो सेंटर पे होता है वो हाफ आउटसाइड होता है और हाफ इनसाइड होता है, तो हाफ अंदर की ओर होगा, हाफ बाहर की ओर होगा, तो टू इंटू वन बाई कितना कर देंगे, टू। तो एट से एट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ वन बचेगा, प्लस टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना, वन रिमेनिंग रहेगा। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो वन प्लस वन कितना आ गया, टू। तो इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ईसीसी के लिए या एंड सेंटर्ड क्यूब के लिए, ये कितने होते हैं, टू होते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से समराइज कर देती हूँ कि जो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है उसमें एटम्स केवल यूनिट सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर के अलावा कहीं भी नहीं। जबकि जो सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें एटम्स कॉर्नर पे तो होंगे ही, साथ ही साथ किसी और जगह पे भी एटम प्रेजेंट होंगे, कहीं ना कहीं पे बॉडी में कॉर्नर के अलावा भी इनकी प्रेजेंस होगी, तो उन्हें कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड के टाइप है, तो बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, तो तीनों में कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पे होगा एक एटम, एंड फेस सेंटर्ड में सिक्स फेसेस हैं, तो कॉर्नर पे तो होंगे ही एटम्स, कॉर्नर के अलावा हर फेस की सेंटर पे भी एक एक एटम प्रेजेंट होगा, और एंड सेंटर में कॉर्नर पे तो होंगे ही, कॉर्नर के अलावा उसके किसी भी दो अपोजिट फेसेस पे भी क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये थे फोर टाइप्स के यूनिट सेल। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, ये वीडियो समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।